हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इससे पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी वो हम उसमें बताया था कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे तीन तरह के हैं। एक तो है फाइनेंसिंग डिसीजंस, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम आज करने लगे, एंड थर्ड इज डिविडेंड जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो फाइनेंसिंग हमने कर लिया था, फाइनेंसिंग का मीनिंग किया और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस किए, जिसके साथ ही हमने इंक्लूड कर लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो पैसा हमने फाइनेंसिंग डिसीजन से लिया, फाइनेंसिंग का मतलब हमने कहाँ कहाँ से फंड्स को रेज किया था। हमने बोरोड कैपिटल से फंड्स रेज किए, हमने ओन्ड कैपिटल से फंड्स रेज किए। वो जो हमने फंड्स को रेज किया, अब हमने उसको लगाना कहाँ पे है, हाउ टू यूटिलाइज दीज फंड्स एफिशिएंटली, दैट विल कम इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब ये पैसा हम दो तरह से लगाते हैं, एक तो हम अपनी फिक्स एसेट्स में लगाते हैं और एक करंट एसेट्स में लगाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द फंड्स जो हमने रेज किए हुए हैं उसमें से ज़्यादातर फंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट रेज फंड, दैट इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स। तो इसीलिए ज़्यादातर जब आप पहले बुक में देखोगे तो आप यही देखोगे, वहाँ पे आपका लिखा हुआ होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्लैश फिक्स स्लैश कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। जो कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है, द फंड दैट इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट। जो फंड हमने फिक्स एसेट में लगा दिया उसको हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग, और जो रिलेटेड उससे डिसीजंस होते हैं हम उसको कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्लैश कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ओके, अब यहाँ पे मैंने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की बजाय एक और टॉपिक साथ में ऐड कर दिया है, वो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ही हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है। ओके, तो सबसे पहले वो फर्स्ट थ्री पॉइंट्स ले लेते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। जो पैसा हमने प्रोजेक्ट में लगा दिया उससे हमें इनफ्लो कितना मिलेगा, कितना हमारे पास उसके रिटर्न्स आएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो हमें ये देखना है कि उनमें से वो प्रोजेक्ट कौन सा है जो हमें रेगुलर रिटर्न्स दे। ऐसा नहीं, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, टू प्रोजेक्ट्स आर देयर, वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। ए में 12% रेगुलरली आ रहा है हर साल, 12 का 13 हो जाता है या 11 हो जाता है, बट दैट इज इंश्योर्ड। ओके, लेकिन एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है बी प्रोजेक्ट, उसमें वन ईयर 15% आ रहा है, सेकंड में 20 आ रहा है, उसके बाद 8% आ रहा है। दिस फ्लक्चुएशन शुड नॉट बी देयर इन द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप ये कभी भी उससे जज नहीं कर पाओगे कि कितनी रिटर्न्स मेरी इस साल आएंगी। तो हमेशा जो एक इन्वेस्टर है, दे विल प्रेफर दैट द रिटर्न्स शुड बी रेगुलर, मीन्स दिस मच अमाउंट ही इज इंश्योर्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट बैक आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। तो रेगुलर रिटर्न्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज, हमें दो प्रोजेक्ट को कैसे देखना है, बहुत सिंपल है। दोनों प्रोजेक्ट्स के रिटर्न्स देखो, जिसमें ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है उसको प्रेफर करो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट हमें 15% रिटर्न्स दे रहा है और सेकेंड 10%, हम उसको प्रेफर कर लेंगे जो हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। मीन्स ए प्रोजेक्ट को हम ले लेंगे, दैट इज गिविंग अस 15%। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी, प्रीवियस पॉइंट, कि रिटर्न्स रेगुलर भी होने चाहिए। ये नहीं कि एक साल 15 है और नेक्स्ट ईयर 5% है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स। हमने ये तो देख लिया कि कितने रिटर्न्स हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को से रिलेटेड हमें जो जो चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आइदर दोज इनपुट्स आर अवेलेबल और नॉट, दैट हैज़ टू बी कंसीडर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारे तीन मेन पॉइंट्स इन्होंने दे दिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, ठीक है। अब यही चीज़ बेटा, यही हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का भी एक हिस्सा बन सकते हैं, ठीक, बिकॉज वहाँ पे स्लैश आ जाते हैं, वही कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए इसी के साथ मैंने ले लिया। क्यों इसके साथ लिए, क्योंकि कई बार फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फॉर एग्जांपल अगर 6 मार्क्स का आ गया, यहाँ पर तो बुक में आपको सिर्फ उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए,
फ्रॉम वेयर यू विल गेट द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। आप ये वालों में से कोई भी 3 पॉइंट्स लिख दो, वो भी आपके वहां पर काम कर जाएंगे। तो अब हमारा है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक चीज और दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं इसके साथ, जो हम फिक्स कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। उन डिसीजंस को जो ये डिसाइड करें कि कितना पैसा कहाँ पर फिक्स एसेट्स में लगेगा, दोज डिसीजंस आर ऑल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड आइदर मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फिक्स एसेट्स और लेस फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फिक्स एसेट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस दो तरह के हमारे नेचर होते हैं, वन इज द ट्रेडिंग बिजनेस एंड सेकंड इज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग का मतलब ओनली सेल एंड परचेज, हमने कहीं से सामान खरीदा और उसको आगे ले जाकर बेच दिया, तो अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि हमें कोई प्रोडक्शन नहीं करनी है, हमने कहीं से सामान लिया और हमने रेडीमेड सामान लिया और रेडीमेड उसको ले जाकर सेल कर दिया। बट इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन, इन दैट केस मोर कैपिटल, मोर फिक्स एसेट्स विल बी रिक्वायर्ड, मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर लगेगी, उसके लिए आपको ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए। सो इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन, इन दैट केस मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। एंड क्यों मोर ज्यादा चाहिए, रीजन लिखना बहुत जरूरी है टू कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन सेकंड केस लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, बट इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट केस, सो लेस फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। सेकंड इज स्केल। स्केल का मतलब कि हम जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, आइदर दैट इज ऑन द लार्ज स्केल और दैट इज ऑन द स्मॉल स्केल। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो हमें कम स्केल की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ज्यादा स्केल के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ज्यादा चाहिए, और कम स्केल के लिए हमें ये कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो मोर में मोर फिक्स कैपिटल, लेस में लेस फिक्स कैपिटल, और उसके साथ आप रीजन दे दोगे उसका। नेक्स्ट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है? दो तरह की टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन के लिए, वन इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकंड इज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नाम ही बता रहा है कि जहाँ पे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव। और पैसा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वहाँ हम मशीन बेस्ड काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे मशीनरी का यूज है दैट इज नोन एज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और जहाँ पे हम लेबर का यूज कर रहे हैं, कम मशीनरी का यूज कर रहे हैं, लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब आपको यहाँ से तो समझ आ गया कि जहाँ पे मशीनरी चाहिए वहाँ पे ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, तो इसी तरह से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और उसमें हमें ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मतलब जो मशीनरी हमने आज खरीदी है उसको हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और हमें नई की जरूरत पड़ती है, तो हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई प्लांट मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। बट अगर ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत स्लो है, इसका मतलब वंस वन मशीनरी इज परचेज दैट विल वर्क फॉर द ईयर्स, तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स कैपिटल की कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी मशीनरी ज्यादा साल तक चलेगी, लगातार हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मोर फिक्स कैपिटल, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो लेस फिक्स कैपिटल। और इसके लिए हम रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज इन सेकेंड केस इफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट, इट मीन्स मशीनरी वंस परचेज विल गो ऑन, विल वर्क फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे हमारी लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स।
इसका बहुत सिंपल मीनिंग है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इन फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उसकी कंपनी की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर वही मान लीजिए मतलब स्केल बढ़ता जा रहा है कंपनी का, तो जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, उसी स्केल पर कंपनी चलती जा रही है, तो लेस फिक्स कैपिटल होगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए कंपनी को ज़्यादा प्लांट मशीनरी, ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अ कंपनी इज गोइंग टू प्रोड्यूस। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा टाइप्स के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है तो उसको ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होगी, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे नीड अ सेपरेट मशीनरी। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, रीज़न लिखना होगा हमें साथ में, तो रीज़न यही है बिकॉज फॉर डाइवर्सिफिकेशन मोर मशीनरी इज रिक्वायर्ड एंड फॉर मोर मशीनरी मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट वाइस वर्सा हो जाएगा, वो क्या होगा, अगर कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, दे आर गोइंग टू मेक ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इन दैट केस लेस फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। अब उसके बाद हमारा सेवन्थ पॉइंट है लीजिंग फैसिलिटी। लीजिंग फैसिलिटी क्या होता है, जैसे हम किसी घर को रेंट पे ले लेते हैं, अपना घर नहीं बनाया, उसको हमने रेंट पे ले लिया, तो लीज वर्ड यूज होता है जब हम किसी मशीनरी को रेंट पर ले लेते हैं, तो वर्ड जो हम यूज करते हैं लीजिंग करते हैं उसके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, वी कैन यूज इट ऑन लीज फॉर 4 years, फॉर 5 years, हमने 4-5 साल के लिए उस टेक्नोलॉजी को लीज पर ले लिया, तो इसका मतलब हमें अपने आप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो हमें कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें जब टेक्नोलॉजी जो चाहिए उसे परचेज नहीं करना है, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो हमें अगर अवेलेबल है तो लेस फिक्स कैपिटल, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें उसे परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए मोर फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कोलेबोरेशन। इसका सिंपल मतलब होता है ज्वाइंट वेंचर। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई ज्वाइंट वेंचर है, दो और तीन लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये काम ज्वाइंट वेंचर में है, एवरीवन इज ब्रिंगिंग फिक्स कैपिटल, हर कोई अपना पैसा उसमें लगा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन का ज्वाइंट वेंचर है, तीन का मिलके कोलेबोरेशन में एक बिजनेस चल रहा है, तो अब जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उन तीनों ने वो लेके आए, उसमें वन थर्ड डिवाइड हुई और उन तीनों ने उसमें इंट्रोड्यूस किए अपने फंड्स को, तो क्या होगा, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लेकिन अगर ये कोलेबोरेशन अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ओनली अ बिजनेस विच इज़ इन अ सिंगल हैंड, तो उसको सिंगल हैंड वाले को ज़्यादा फंड्स के लिए ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होगी फिक्स एसेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर कोलेबोरेशन अवेलेबल है तो कम फंड्स चाहिए इंडिविजुअली, क्योंकि सब फंड्स को ला रहे हैं। और अगर ज्वाइंट वेंचर अवेलेबल नहीं है, कोलेबोरेशन अवेलेबल नहीं है, तो हमें फिक्स एसेट्स के लिए ज़्यादा फंड्स चाहिए होंगे इंडिविजुअली, क्योंकि जितना भी पैसा चाहिए वो एक ही एंटरप्रेन्योर को लाना होगा, सो रिक्वायरमेंट विल बी मोर, ओके। तो ये तो हमारा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के, क्यों, क्योंकि वो रीज़न है सिंपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंड्स आर यूज्ड इन द फिक्स एसेट्स, ठीक है। और नहीं तो, और जो दूसरी जगह हमारे फंड्स यूज होते हैं, कुछ तो फिक्स एसेट्स में यूज हो जाते हैं और कुछ होते हैं वर्किंग कैपिटल, एज अ वर्किंग कैपिटल द फंड्स आर यूज्ड। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। Thank you very much and keep watching.